हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है उदित नारायण विश्वकर्मा और स्वागत है आप सभी का उदित फार्मेसी यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एसेंशियल ड्रग के बारे में कि एसेंशियल ड्रग क्या होता है। यहाँ पे बहुत से लोग जो है मेरे पास अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन किए थे लाइक एसेंशियल ड्रग को लेकर के क्या है, तो इसी के बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। एसेंशियल ड्रग ये जो बोल सकते हैं आपकी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एक मेडिसिन की लिस्ट है। ये मेडिसिन की ऐसी लिस्ट है यानी कि आपसे एक थोटा सा मतलब छोटा सा हम क्वेश्चन पूछते हैं कि आप अपने घर में जो फर्स्ट एड बॉक्स रखते हैं तो उसको जो सोच करके आप रखते हैं, जो ध्यान में रख करके रखते हैं, उसी चीज़ को ध्यान में रख करके वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है एक मेडिसिन की लिस्ट तैयार की, उसी को एसेंशियल जो है ड्रग बोलते हैं, फिर एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट बोलते हैं। यानी कि कुछ उसमें स्पेशल मेडिसिन थी, जैसे कि बात करें पैरासीटामोल, ब्लीचिंग पाउडर, तो इस टाइप पे यहाँ पे बहुत सी मेडिसिन थी उसमें, करीबन यहाँ पे 100 से प्लस मेडिसिन थी, कुछ 100 प्लस मेडिसिन थी। लेकिन अभी क्लियर कट अगर बात करें भारत के पास तो ऐसा कुछ डिटेल नहीं है, आगे हम उसके बारे में बात करते हैं। तो वही एक प्रकार का बोल सकते हैं कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO का एक लिस्ट है मेडिसिन का, इसमें कि ध्यान में रखा गया है। जैसा कि आपको हम पूछे कि यहाँ पे फर्स्ट एड बॉक्स जो आप ध्यान में रख करके अपने घर में उसमें जो मेडिसिन रखते हो, तो उसी टाइप का कुछ ध्यान में रखा गया था कि लाइक बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो, लाइक कि बहुत अच्छे से वर्क करे, ज़्यादा रिएक्शन ना हो और बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी मेडिसिन ना हो। यानी खा लेने पर कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा उसका रिएक्शन होता है या फिर बहुत ज़्यादा कॉस्टली आती है या फिर कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से वर्क नहीं करती है, तो ऐसा कुछ रहेगा तो ऑब्वियसली बात है आप अपने फर्स्ट एड बॉक्स में रखोगे नहीं। तो उसी तरह से जो एसेंशियल ड्रग का यहाँ पे लिस्ट बनाया गया था, इसी सब चीज़ों को ध्यान में रख करके बनाया गया था कि ये जो है बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी ना हो और आसानी से मिल जाए आपको कहीं भी, और किसी भी प्रॉब्लम में अगर आप यूज करें तो बहुत अच्छे से वर्क करे और रिएक्शन भी बहुत ज़्यादा ना करे। इसके बाद भारत सरकार भी उसी को क्या की कि उसमें से अपने पब्लिक के अकॉर्डिंग, जैसे भारत में जितने लोग रहते हैं उनको ध्यान में रख करके कि यहाँ पर भाई बात करें तो इंडिया में 125 रुपये से भी कम का इनकम है अगर आम पब्लिक कैसे देखा जाए तो मैक्सिमम लोगों का, तो इसको ध्यान में रख करके 106 कुछ मेडिसिन का लिस्ट बनी थी 1996 में। लेकिन वहाँ से बहुत सारी मेडिसिन जो है बैन हो चुकी हैं, यानी कि अलग अलग प्रकार की कुछ ड्रग्स जो थी वो बैन हो गई हैं, तो उसमें से जो बैन हो गई हैं उसको हम निकाल सकते हैं। लेकिन ऐसे अभी भारत के पास बात करें, भारत सरकार के पास, तो ऐसी कोई एसेंशियल मेडिसिन का जो लिस्ट है वो प्रॉपर नहीं है, क्योंकि वो जो लिस्ट है उसमें बहुत से ऐसी मेडिसिन है जो कि बैन कर दी गई हैं, लेकिन अभी नया इस पर कुछ अपडेट नहीं आया है। तो यही कुछ जो है एसेंशियल ड्रग होता है कि एक जो है WHO की ड्रग का लिस्ट है, उसमें से अपना भारत सरकार कुछ मेडिसिन को छांट करके अपने राज्य के अकॉर्डिंग जो है डिवाइड किया। यहाँ पे 2016 में लगभग 144 देश, अलग अलग देश जैसे भारत, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, तो अमेरिका, तो 144 देश 2016 तक ये एसेंशियल ड्रग का जो था लिस्ट अपना अपना तैयार कर लिए थे। गाइडलाइन था वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का, उसी के अकॉर्डिंग उसी में से कुछ मेडिसिन कि भारत के लोगों के लिए कौन सी बेस्ट हो सकती है, अमेरिका के लोगों के लिए कौन सी बेस्ट हो सकती है, एंड अलग अलग प्रकार की जो भी कंट्री हैं उन अपनी अपनी कंट्री अपने अपने लेवल पे एक ड्रग का लिस्ट जो है तैयार कर ली थी। गाइडलाइन WHO की थी, उसी के अकॉर्डिंग अपना अपना अलग अलग कंट्री तैयार की थी। तो यही कुछ होता है एसेंशियल ड्रग। बात करें भारत में तो हम जैसा बताया है कि अभी क्लियर कट ऐसा कुछ अपडेट नहीं आया है भारत सरकार के पास, मतलब पता नहीं क्या कर रही है सरकार, मुझे तो नहीं आइडिया, लेकिन अभी तक जो है इस पर बात करें प्रेजेंट में अगर आप पता करना चाहते हो कि भारत सरकार में कितने कुछ एसेंशियल ड्रग हैं, तो अभी आपको डायरेक्ट ऐसे नहीं पता चलेगा। जो पता चलेगा बहुत पुराना पता चलेगा, उसमें कुछ ऐसे ड्रग मिलेंगे जो कि बैन हो चुके हैं। तो यही कुछ एसेंशियल ड्रग के बारे में रहा। उम्मीद है कि आप एसेंशियल ड्रग के बारे में काफ़ी कुछ जान चुके होंगे, और भी मैं विकिपीडिया पेज का जो है कि यहाँ पर लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप देख सकते हैं, जहाँ से मैं खुद ये जानकारी हासिल किया हूँ, तो आप भी वहाँ से देख करके जान सकते हैं। जो भी कुछ मिलेगा कंटेंट वो कहीं ना कहीं एक सही और करेक्ट इन्फॉर्मेशन रहता है। तो आई होप कि ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बाय बाय।